नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में जो है रूस की बोल्शेविक क्रांति के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम उसमें आगे जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। विश्व शांति के लिए प्रयास, तो यहाँ पे अब हमें बताया है कि विश्व शांति के लिए राष्ट्रसंघ के द्वारा जो प्रयास किए गए उसके विषय में हमें जानकारी दी गई है। तो राष्ट्रसंघ, विश्व युद्ध की भयानकता ने विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर विश्व शांति की दिशा में तत्क्षण और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व युद्ध की यह जो भयानकता था, इस भयानकता ने विश्व के देशों को कि आपस में किस तरह से मिलजुल कर रहे और विश्व में शांति बनी रहे उसके लिए विश्व शांति की अनिवार्यता, उसकी आवश्यकता को समझाई और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर विश्व शांति की दिशा में जो है यहाँ पे तत्क्षण और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। वुड्रो विल्सन के 14 मुद्दों को आगे रखकर पेरिस शांति प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की रचना की गई थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि विश्व की भयानकता जो है, विश्व युद्ध की जो भयानकता है जिसने विश्व के देशों को शांति किस तरह से रखी जाए और शांतिपूर्ण जीवन किस तरह से रहा जाए इसकी अनिवार्यता लोगों को समझाई और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर जो है विश्व ने यहाँ पे विश्व की शांति की दिशा में तत्क्षण और सक्रिय विचार करना शुरू किया, जिसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन है उन्होंने राष्ट्रसंघ की स्थापना करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और वुड्रो विल्सन के 14 जो मुद्दे हैं उन्हें आगे रखकर पेरिस शांति की प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की रचना की गई थी। राष्ट्रसंघ के उद्देश्य, तो अब हम यहाँ पे आगे जो है राष्ट्रसंघ के उद्देश्य क्या थे उसके विषय में जानकारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना, तो यहाँ पे हमें बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना और सुरक्षा जो है उसकी व्यवस्था करना। तो विश्व शांति, यहाँ पे विश्व शांति के लिए जो प्रयास किए उसमें राष्ट्रसंघ जो है उसके कुछ उद्देश्य जो है वह महत्वपूर्ण रूप से बताए गए हैं, जिसमें हमें यहाँ पे पहला उद्देश्य बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना, जिसमें लोगों के बीच में आपस में जो है सभी देशों के बीच में शांतिपूर्ण रहे और सभी की सुरक्षा रहे इस तरह से व्यवस्था करना। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र की अखंडता बनाए रखना, तो यहाँ पे हमें बताया है कि उनका दूसरा उद्देश्य यह था कि प्रत्येक राष्ट्र जो है वह अपने राष्ट्र के साथ अन्य सभी राष्ट्र जो है उनकी अखंडता बनाए रखे, किसी प्रकार से ऐसा भेदभाव नहीं हो कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और दूसरे राष्ट्र के प्रति घृणा, ऐसी जो है वह भावना लोगों के मन में उदय न हो, इस तरह से जो है अपने राष्ट्र के प्रति तथा अन्य सभी राष्ट्रों के प्रति अखंडता बनाए रखना यह राष्ट्रसंघ का दूसरा उद्देश्य माना जाता है। और यहाँ पे हमें राष्ट्रसंघ का तीसरा उद्देश्य बताया गया है, युद्ध नीति का त्याग करना। जैसे विद्यार्थियों हमने इस पाठ के विषय में जब शुरुआत की तब हमने जाना कि काफ़ी सारे जर्मन लेखक थे, उन्होंने यह नारा दिया था कि युद्ध ही कल्याण नीति है, युद्ध से ही आवश्यकता है और युद्ध से ही कल्याण होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया गया है कि युद्ध नीति जो है उसका त्याग करना, किसी भी प्रकार की युद्ध नीति को यहाँ पे बढ़ावा नहीं मिलेगा और युद्ध नीति आगे जो है वह युद्ध नहीं होगी। तो इस तरह से युद्ध नीति का त्याग करना यह जो है राष्ट्रसंघ का तीसरा उद्देश्य माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना, मतलब जो है सभी राष्ट्र के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से या मध्यस्थता द्वारा हल निकालना। तो यहाँ पे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जो है उनका शांतिपूर्ण ढंग से किस तरह से निवारण किया जाए, किस तरह से समाधान किया जाए तथा उसके मध्य का जो हल है वह किस तरह से निकाला जाए। किसी भी दो राष्ट्रों के बीच में किसी भी प्रकार का झगड़ा वाद विवाद हो तो उसमें उसके मध्य का हल किस तरह से निकाला जाए कि जिससे दोनों राष्ट्र संतुष्ट हो। तो इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से
हल निकालना यह जो है राष्ट्रसंघ का पांचवा उद्देश्य माना जाता है। यदि कोई राष्ट्र राष्ट्रसंघ या मध्यस्थता की अवहेलना करे तो उसे बागी राष्ट्र घोषित करना। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यदि कोई जो भी राष्ट्र है वह राष्ट्रसंघ के जो उद्देश्य है या उसकी जो मध्यस्थता की गई है उसकी अवहेलना करे, उसे न माने, उसका पालन न करे, तो उस राष्ट्र को जो है बागी राष्ट्र घोषित किया जाएगा। विश्व शांति की स्थापना करने के लिए स्थापित राष्ट्रसंघ महासत्ताओं की साम्राज्यवादी नीति को अंकुश में नहीं रख सका और 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि विश्व शांति की स्थापना करने के लिए स्थापित जो राष्ट्रसंघ किया गया, लेकिन राष्ट्रसंघ की महासत्ताओं की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको अंकुश में नहीं रख सका, जिसकी वजह से जो है 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ पे शुरुआत हुई। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने जो है विश्व शांति के प्रयास के विषय में इतनी जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने देखा कि विश्व युद्ध की भयानकता ने जो है विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता और आवश्यकता समझाई। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर सभी विश्व के सभी देशों के जो है उन लोगों को तर्कसंगत और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे उन्होंने राष्ट्रसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान दिया और वुड्रो विल्सन के मुद्दों को आगे रखकर पेरिस शांति प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की रचना की गई थी, जिसमें राष्ट्रसंघ के जो है कुछ उद्देश्य निम्नलिखित रूप से हमें बताए गए है, जिसमें पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना, दूसरा है कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र की अखंडता बनाए रखना, और तीसरा जो है वह उद्देश्य है कि युद्ध नीति का त्याग करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से और कोई मध्यस्थता द्वारा हल निकालना, और चौथा जो है वह यहाँ पे उद्देश्य बताया गया है कि यदि कोई राष्ट्र राष्ट्रसंघ या मध्यस्थता की अवहेलना करे तो उसे बागी राष्ट्र घोषित करना। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए यह जो राष्ट्रसंघ की शुरुआत की गई थी इनकी साम्राज्यवादी नीति को जो है अंकुश में नहीं रख सका, जिसकी वजह से 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने इस विषय में जानकारी प्राप्त की और यहाँ पे जो है हमारा यह पाठ पूर्ण होता है और यह जो स्वाध्याय है यह आपको नोट में लिखना है। धन्यवाद।